जिला नियोजन समिति की आज सभा संपन्न हुई, जिसके बाद पत्रकारों से संवाद साधते हुए पालक मंत्री नितिन राउत द्वारा सभा में लिए गए निर्णयों की जानकारी साझा की गई है। इस सभा में राज्य के पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार, जिलाधिकारी विमला आर सहित जिला नियोजन समिति के सदस्य, प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। नागपुर जिला नियोजन समिति की सभा संपन्न हुई, जिसके बाद पत्र परिषद में पालक मंत्री नितिन राउत द्वारा जानकारी देते हुए बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए साथ ही ओमाइक्रॉन के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड बनाने के संबंध में आदेश दिए, साथ ही कोरोना के चलते दिए गए गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी पालक मंत्री राउत द्वारा की गई है। साथ ही विधायक विकास निधि को मान्यता दी जाए और 7-8 दिनों में निधि उपलब्ध करा दिया जाए, ऐसे आदेश दिए। साथ ही जिले के सभी बिजली वाहिनियों को भूमिगत करने के लिए 300 करोड़ का निधि मंजूर किया गया है, ऐसी जानकारी भी उन्होंने दी। नियोजन मंडळाची बैठक या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेली होती। त्या बैठकीमध्ये आम्ही आरोग्य सेवेला प्राधान्य देण्याच्या संबंधी व त्या संबंधी ओमायक्रॉनचे वेगवेगळे वार्ड तयार करण्यासंबंधीचे निर्णय या ठिकाणी घेतलेले आहेत। सर्वांनी खबरदारी घ्यावी आणि करोना नियमाचं काटेकोरपणे पालन करावं असे आदेश सुद्धा या ठिकाणी दिलेले आहेत। 31 डिसेंबरला रात्री कोणत्याही प्रकारच्या नवीन वर्षाच्या निमित्तानं पार्ट्या होणार नाहीत, यासंबंधीची आम्ही बंदी घातलेली आहे। आमदार विकास निधी व इतर योजनांना प्रशासकीय मान्यता मिळावी, त्यांना 8 दिवसात निधी उपलब्ध करून द्यावा, ही सुद्धा या ठिकाणी आम्ही सूचना केलेल्या आहेत। 31 मार्चपर्यंत जो निधी खर्च होणार नाही असं या ठिकाणी व्हायला नको, तो खर्च झाला पाहिजे, जेणेकरून आपलं बजेट पुन्हा सादर करत असताना आम्हाला नवीन मागण्या नोंदवायला सोपी जाईल। इस वक्त राऊत बोले की दोनों गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को 180 करोड़ का निधि दिया गया है, अगर कुछ कमियां पाई जाती है तो उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।